मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको चांद टीवी की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको शहद की मक्खी के बारे में अहम मालूमात फराहम करूँगा और कुछ दिलचस्प हकायक बताऊँगा जो आपने यकीनन कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शहद की मक्खियों को एक पाउंड शहद बनाने के लिए तकरीबन 20 लाख फलों का रस जमा करना पड़ता है। एक पाउंड शहद बनाने के लिए एक मक्खी को तकरीबन 90,000 मील तक प्रवास करना पड़ती है। शहद की मक्खी एक चक्कर में तकरीबन 50 से 100 फलों का रस हासिल करती है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, शहद की मक्खी 6 मील फी घंटा प्रवास कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार 15 मील फी घंटा होती है। शहद की मक्खी का दिमाग बेजुई और इसकी जिसामत तिल के बीज के बराबर होती है। इसके बावजूद इसमें सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। शहद की मक्खियाँ रक्स के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करती हैं। एक कॉलोनी में तकरीबन शहद की मक्खियों की तादाद 20 से 60 हज़ार तक होती है, जिनकी एक मलका होती है और काम करने वाली मक्खियाँ फीमेल होती हैं और इनकी ज़िंदगी तकरीबन 6 हफ्ते होती है। दोस्तों, मलका मक्खी 5 साल तक ज़िंदा रह सकती है और सिर्फ यही अंडे देती है और गर्मियों में रोज़ाना तकरीबन 2500 अंडे देती है। शहद को एक दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे गले की सोजिश और हाजमा के ओवर से लेकर जिल्द के मसाइल और बहार तक तकरीबन हर बीमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद एंटीस्पेटिक खसूसियात का हामिल है और इसी वजह से इसे पुराने वक्तों में इसे ज़ख्मों के लिए ड्रेसिंग, जलने और कट लग जाने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। शहद में फ्रैक्टोज और ग्लूकोज जो कुदरती मिठास हैं शामिल होते हैं, ये जिस्म में जल्द हल हो जाते हैं। इसी वजह से लोग इसे कुदरती तवानाई हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। शहद की मक्खी वो वाहद कीड़ा है जो इंसान के खाने की खुराक तैयार करता है। शहद हैरत अंगेज़ तौर पर साला साल ख़राब नहीं होता। मिस्र की एक मकबरे से तकरीबन 2000 साल पहले का शहद मिला जिसका जायका आज भी लजीज है। जब एक शहद की मक्खी को फूलों के रस का अच्छा ज़रिया मिल जाता है तो वो रक्स करके अपने साथियों को इसकी तरफ मतवजा करवाती हैं। इस रक्स का नाम वेगल डांस है। शहद को खूबसूरती के इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद नाकाबिले यकीन हद तक सेहतमंद गज़ा है। इसमें विटामिन मादनियात शामिल होते हैं। शहद में इंसानी दिमाग के बेहतर काम करने के लिए एक मुफीद एंटीऑक्सीडेंट शामिल होता है। जिसे पाइनोसेम्ब्रीन कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।